हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम एक्सेस 125 का सीवीटी बेल्ट और रोलर चेंज करने वाले हैं, और ये लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज होने वाला है। सीवीटी बेल्ट ये 30 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होता है, पर इसे बहुत डिले कर दिया हमने। तो चलिए फिर अब इसे चेंज करते हैं। प्रॉपर डिटेल वीडियो है तो एंड तक देखना, और तो जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ मिस मत करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो किक कवर को पहले हम ओपन कर लेंगे। तो कैसे करते अब देखना। इसके अंदर 8 मिलीमीटर के बोल्ट से, और जो ये दो बोल्ट है वो 10 मिलीमीटर के, तो ध्यान रखना। तो अब इसे खोलते, चलिए। तो अभी किक कवर ओपन हो गया, तो आप देख सकते हो। तो वेरिएटर को और क्लच को खोल लेंगे। तो कैसे खोलते आपको दिखाएंगे अभी, चलिए। तो अभी जो मेरे पास की जो सी क्लैंप है, मैंने कुछ इस तरीके से लगा दी है इसे फुल होल्ड करने के लिए। और प्लीज़ आप ध्यान में रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये जो गेयर से इसकी टीथ खराब हो जाएगी। तो इसे थोड़ा ध्यान में रखते हुए ही टाइट करना है। फिर हम इसके अंदर इसे लॉक कर देंगे कुछ इस तरह। तो अभी हमें 17 मिलीमीटर का सॉकेट लेके ये जो नट है इसे ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसे लॉक कर दिया, इसे अब इसे घुमाएंगे हम एकदम आराम से, खुल गया। तो सी क्लैंप को इसी तरीके से लगा देना है जैसे कि हमने इसके ऊपर लगाया था। तो जो ऊपर का कवर है प्रॉपर इसी तरीके से लगाना है और इसे टाइट करना है। तो आप देख सकते हो अंदर की कंडीशन एकदम खराब कंडीशन है। तो अभी वेरिएटर का हम अंदर के रोलर चेक करेंगे कुछ इस तरह। तो आप और इसके आप डायरेक्शन चेक कर लो कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ से, ये जो आप कलर वाला पार्ट देख रहे हो इस डायरेक्शन में, और बिना कलर वाला पार्ट उस डायरेक्शन में, और सारे ही रोलर इसी तरीके से लगे होते हैं। तो आप इसे क्लीन कर लेंगे और इसे भी चेक देख सकते हो जी। इसके ऊपर के जो क्लच है शूज एकदम अच्छे तरीके से अच्छे है, कोई ज़्यादा ख़त्म नहीं हुए, अभी चलने के लायक तो है और अच्छे कंडीशन में, ज़्यादा घिसे हुए नहीं, क्योंकि कंटिन्यू हाईवे चलती है, ज़्यादा सिटी में नहीं चलती हमारी स्कूटी। तो इसे थोड़ा रफ कर लेंगे और इससे काम चल जाएगा। ये जो बेल्ट है ये कम से कम 70 हज़ार किलोमीटर चल चुका है, मीटर में नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरा स्कूटी का बीच में मीटर बंद था। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और एक भी बार ये बेल्ट चेंज नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम चेंज होगा अभी। और इसकी भी एक डायरेक्शन रहती है कि इस तरीके से बेल्ट घूमता है ना, तो इसकी डायरेक्शन रहती है। तो आपको अभी दिखाऊंगा मैं, पूरा पहले क्लीन कर लेंगे। तो अभी इस पार्ट को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, जो हमारा वेरिएटर था इसको क्लीन कर लेना है। तो फिर मिलते हैं आपको क्लीन करने के बाद, चलिए। और आपको ये जो क्लच है इसको क्लीन करना नहीं है, ये जो ऊपर के शूज है इसे लाइनर को सिर्फ थोड़ा सा एक मार से क्लीन करना है, क्योंकि इसके अंदर बेरिंग रहती है, आप एक बार चेक कर लेना। तो ये बेरिंग डैमेज हो सकती है, प्लीज़ पानी से वॉश मत करना, डीजल से भी वॉश मत करना, इसे वॉश ही मत करो आप, इसे कपड़े से सिर्फ साफ करो और जो लाइनर है इसे क्लीन करना, बाकी पार्ट को हम क्लीन कर देंगे। तो अभी सारा सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। तो अभी बारी है वेरिएटर को अंदर के रोलर लगाने हमें। तो चलिए कैसे लगाते हैं आपको बताते हैं। तो पहले आपको वेरिएटर चेक कर लेना है, ये रफ तो नहीं है, एकदम स्मूथ रहना चाहिए, यहाँ पे आपको हाथ को रफनेस फील नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल भी रफ नहीं है, सिर्फ दिख रहा है कि स्क्रैचेस है, पर एक्चुअली में एकदम स्मूथ है। तो अभी इसे नॉर्मल से ग्रीस लगाएंगे हम, सभी तरफ लगाएं। तो ग्रीस एकदम अच्छे तरीके से लग गया। तो आपको साथ ही साथ ये जो रोलर है इसको भी ग्रीस लगा देना है,
तो चलिए फिर डायरेक्शन देख लो आप। तो आप देख सकते हो मैंने नए वाले रोलर यही ही डाल दिए, एकदम जेन्यून क्वालिटी के 636 के मुझे पड़े हैं और 6 क्वांटिटी के रोलर है, मतलब 6 रोलर मुझे मिल गए। तो इंस्टॉल हो गया अभी, तो अभी इसके ऊपर का जितना भी ग्रीस लगा होगा आप उसे क्लीन कर लेना एकदम अच्छे तरीके से, और अभी इंस्टॉलिंग के ऊपर चलते हैं। तो हमें क्लच कवर लगाने से पहले इसे अच्छे तरीके से घिस लेना है, जो बाहर की तरफ जो बॉर्डर है इसे घिस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइनर चलते हैं क्लच लाइनर, तो इसे पकड़ के चलते हैं। अगर ये खराब होगा, ये स्लिप होगा तो पिकअप नहीं आएगा, तो इसके लिए इसे पहले अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। चलिए तो ये अच्छे तरीके से घिस लिया, क्लीन हो गया एकदम, आप देख सकते हो। तो अभी इसे लगाने की प्रोसेस चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर क्लिप्स लगाने हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है। अभी इसके अंदर की जो बेरिंग है इसके ऊपर हम क्लिप्स लगा देंगे। क्लच की बेरिंग को क्लिप्स करने के बाद हम जो क्रैंकशाफ्ट है इसके ऊपर थोड़ा क्लिप्स लगा देंगे। इस तरह से तो हम अभी विलेटर को पहले लगा देंगे, तो इसके पहले हमें स्पिन को लगा लेना है। इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करके ग्रीस लगाओ, तो कुछ इस तरीके से लग जाएगी। फिर इसके ऊपर का ग्रीस साफ करेंगे जब लग जाएगा, तब आप देख सकते हो अभी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर हम लगा देंगे। तो ये देख सकते हो एकदम परफेक्ट लग गया। अच्छे कपड़े से इसे साफ कर लेना है। तो क्लच लगाने के लिए सबसे पहले हमें बेल्ट को खोल लेना है। ये नई वाली बेल्ट है, आप देख सकते हो कितने की है, एकदम जेन्यून है, 585 रुपीज़ की है। तो अभी इसे खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो बेल्ट को अभी मैंने ओपन कर लिया, तो आप इस डायरेक्शन को देख सकते हो, ये उल्टी डायरेक्शन का है और ये जो है इस जगह से इंजन घूमेगा, तो इसी डायरेक्शन में ये बेल्ट भी घूमेगा। तो जहाँ ये मार के तो इस तरीके से लगाना है हमें, ना कि इस तरीके से। अगर इस तरीके से लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बेल्ट टूट भी जाएगा जल्दी से ही, और वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस डायरेक्शन में बेल्ट लगाना है, कुछ इस तरह से घूमेगा। तो अभी चलिए क्लच में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो क्लच है इसको ऐसे पीछे पुल करना है बेल्ट लगाने के लिए, किस तरीके से किया आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले बेल्ट लगा देंगे हम कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो बेल्ट एकदम अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम यहाँ पे क्लच को लगा देंगे, एकदम आराम से लगाना है। तो क्लच लग गया। अब जो हमारी जो क्लच है इसे अंदर की तरफ दबाना है हमें, पुश करके अंदर की तरफ दबाना है इस साइड से या फिर इस साइड से, क्योंकि हमें बेल्ट क्रैंक की तरफ भेजनी है। क्रैंक शाफ्ट है जो हमारा, इस शाफ्ट के आगे हमें इस बेल्ट को भेजना है। तो इसे अच्छी तरीके से पुल कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बेल्ट को खींच के आगे ले लेंगे, और ऐसे ही करना है जब तक बेल्ट आगे ना जाए। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट बेल्ट आगे गई, अब लग चुका है एकदम आराम से। चलिए आप देख सकते हो क्लच लाइनर, तो इसे क्लीन कर लेना है इस पॉलिश पेपर से, रेगमाल से। मैंने इसे पहले क्लीन करके रखा था, पर फिर से ऑयल के हाथ लगते ही है, तो इसके लिए मैं इसे फिर से क्लीन कर रहा हूँ। तो अभी हम क्लच कवर को लगा देंगे कुछ इस तरह से।
फिर हमें इसके नट को लगा लेना है। तो पहले वाइसर को लगाएंगे और जो नट है वो क्लॉकवाइज टाइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज ओपन होता है, ये बात ध्यान में रखना आप। तो अभी हम तो इसे लगाने से पहले इसे अच्छे तरीके से साफ कर लो, ऑयल या ग्रीस नहीं रहना चाहिए। और अंदर की तरफ भी थोड़ा हाथ मार ही लो आप। तो अभी इसे हम लगा देंगे, चलिए। और जो फैन है इसके पंखे वो अच्छे तरीके से रहने चाहिए, अगर खराब होगा तो आप इसे चेंज कर दो, क्योंकि ये इंजन को कूल रखता है इसके लिए। तो चलिए, तो मैंने क्लैंप को लगा लिया, अब इसे टाइट कर लेते हैं। तो काम एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम अच्छे तरीके से हो गया है। तो आप देख सकते हो ये रोलर कितने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, पूरे घिसे हुए रोलर है, वो भी सारे के सारे रोलर सेम ऐसे ही है। तो इसे चेंज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो एक बार आप अभी गाड़ी का साउंड सुन लो, एकदम परफेक्ट। तो इसी तरीके से पूरा काम एकदम ओके हो गया, एकदम टोटल काम हो गया हमारा। इसके अंदर हमने बेल्ट चेंज कर दिया, रोलर चेंज कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, फुल क्लीनिंग कर दिया। जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत धो धो के इसके धोया है, पेट्रोल से वॉश किया, फिर पानी से एकदम अच्छे तरीके से वॉश किया, फिर इसको पूरा ड्राई होने दिया, फिर हमने लगा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी करने। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।